न्यूज डिवाइन के अप्रैल अंक में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, न्यूज डिवाइन की पूरी टीम के साथ रूहानी खबरों के सफर में मैं रहूंगा आपके साथ राकेश। नमस्कार, धन निरंकार। मार्च 2014 में निरंकारी जगत में हुई गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा लेकर के हम ये सफर प्रारंभ करते हैं, पर पहले मुख्य समाचार हेडलाइंस। मानव कल्याण यात्राएं, प्रादेशिक समागम, मिशन विदेश में, SNCF डायरी व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की मार्च महीने की कल्याण यात्राओं का प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। आइए देखें ये रिपोर्ट। 20 मार्च को नवी मुंबई के कोपरखेरणे इलाके में एक विशाल सत्संग का आयोजन हुआ। हर बार की तरह मुंबई के भक्तों की संख्या, उल्लास और श्रद्धा अपनी चरम पर दिखाई दी। यहां समाज के कई गणमान्य सज्जन भी पधारे। कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव रहा मुंबई का पश्चिम विरार का क्षेत्र, जहां एक बार फिर अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए सद्गुरु बाबा जी ने कहा, तो ये क्रांति घटित हुई जब जब भी जिस जिस के जीवन में उसने ही अपने जीवन की इस सफर को तय करते हुए अपने कदमों को संभाल लिया। अब वो लड़खड़ाते हुए कदम नहीं है, अब वो रौंदने वाले कदम नहीं है, वो दूसरों की चिताओं के ऊपर अपनी रोटी पकाने वाले अब वो चाल नहीं है, अब वो शोषण करने वाली प्रवृत्ति नहीं है। तो ये कितना बड़ा बदलाव, कितनी बड़ी क्रांति जिस किसी के जीवन में आ जाती है, उसको आसमानों की ऊंचाइयों तक ले जाती है। In the next leg of salvation tour, a massive assembly gathered at Bandra Kulra complex in Mumbai. इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री सुरेश शेट्टी ने बाबा जी का स्वागत किया। 25 मार्च को ठाणे जिले के भिवंडी में नव निर्मित संत निरंकारी सत्संग भवन का उद्घाटन भी गुरुदेव के कर कमलों द्वारा हुआ। 26 मार्च को चौराटी के कसा बाजार स्थित कसा मैदान में हजारों की संख्या में निरंकारी भक्तजन एकत्र हुए। यहां भी गीत, व्याख्यान और कविताओं के माध्यम से जन जन तक मानवता का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। This included surroundings of Chaurati, Chinchini and Khandipada among others. On the 29th March, His Holiness Babaji and Holy Mother Pujya Mataji reached the town of Daman, where again a massive gathering of eager and ardent followers greeted and welcomed the divine couple with their love and devotion. Daman ke baad 29 March ko Gujarat ke Ankaleshwar par Sadguru Dev ki kripa barsi. भारी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालु संतों ने गुरुदेव के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। यहां पधारे सज्जनों में समाज के कई विशिष्ट प्रतिनिधि भी शामिल थे। 30 मार्च को आध्यात्मिक परोपकार का ये सिलसिला गुजरात के नाडियाड शहर पहुंचा। कच्छ और सौराष्ट्र के इन इलाकों में बाबा जी का आगमन लगभग 11 वर्ष बाद हुआ। ऑन 31st of March, His Holiness Babaji reached Bhavnagar, where thousands of simple and pure-hearted devotees were overwhelmed on the very sight of their spiritual master. A huge congregation was organized at the Sardar Nagar Chowk ground in the city. तो ये थे समाचार कल्याण यात्राओं के। अब आइए देखें मार्च महीने में हुए विभिन्न प्रादेशिक समाचारों की ये रिपोर्ट। 1 और 2 मार्च को हरियाणा प्रदेश का समागम आयोजित हुआ रेवाड़ी शहर में। इस समागम पर शोभा यात्रा का अद्भुत रूप देखने को मिला, जहां स्थानीय वेशभूषा और कला के माध्यम से भक्तों ने प्रेम और एकत्व के संदेश का प्रगटाव किया। सद्गुरु बाबा जी और पूज्य माता जी इस अवसर पर अपनी रूहानी मुस्कान से भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। समागम के दोनों दिन ही सत्संग कार्यक्रम में हिंदी, हरियाणवी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में गीत, कविताएं और व्याख्यान प्रस्तुत हुए। हम तो बजा के ढोल जो बाबा महाराज है।
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस अवसर पर कहा, ये हरियाणा शब्द तो इसको इस रूप में ध्यान आया कि हर या ना, हरियाणा यानी कि हर, हर ले जो अपनी विपरीत भावनाओं को, तुम पे निर्भर करता है हर या ना हर। तो हर या ना, इसको हर ले या ना हर, और जो हर लेता है फिर उसको कहते हैं रे वारी। जब हर लिया तो फिर उसके ऊपर ही ये वारी जाते हैं संत महात्मा भक्तजन। प्रादेशिक समागमों की लड़ी में अगला समागम राजस्थान का था, जो 8 और 9 मार्च को चित्तौड़गढ़ शहर में आयोजित किया गया। शोभा यात्रा में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने सांस्कृतिक गीत और नृत्य का एक मनमोहक रूप प्रस्तुत किया। रंग बिरंगी पोशाकें पहने यहाँ के भक्तों ने स्थानीय नृत्य प्रस्तुत किए। कलेक्ट्रेट चौराहे से प्रारंभ होकर ये शोभा यात्रा इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित समागम ग्राउंड में पहुंची, जहां पहले दिन के समागम का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कहते कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, अरे मैं तो बंद बुझी हुई चिराग थी तेरी रोशनी से पहले। अरे सत्य गुरु साहेब हमारी अर्जी सुनी, सत्य गुरु साहेब हमारी अर्जी सुनी, मारा धटको अंधेरो मिटायो दनी, सत्य गुरु साहेब हमारी अर्जी सुनी। तेरे जानने से पहले, तेरे इस मुलाकात से पहले कुछ बात ना थी, जीने को तो जीते थे लेकिन ये रंग भरी बात ना थी। इंसान को जितना भी प्राप्त हो जाए वो फिर खाली का खाली महसूस करता है। इसी तरह से जैसे वो मिसाल दी जाती है कि एक कटोरे में जिसमें छेद होता है, उस कटोरे में जितना भी डालते चले जाओ उस छेद से निकलता जाता है, वो फिर खाली का खाली। इसी प्रकार से ये दुनियावी उपलब्धियां हो जाने के बावजूद भी इंसान की हिस्सो हवस ख़त्म नहीं होती है, ये इंसान की ये भूख मिटती नहीं है। तो इसीलिए कहा कि जब आए संतोष धन सब धन धूली समान, कि संतोष ये कंटेंटमेंट जिसके हिस्से में आ जाती है वो अमीर हो जाता है, वो भरा भरा हो जाता है। द नेक्स्ट डे आफ्टरनून His Holiness blessed the volunteers of the mission at the Sevadal rally organized at the Samagam ground. The Holy Assembly on the second day of Samagam also saw many speakers reiterating the need to establish the bond of brotherhood in the society. Samagam ke uparant ek adbhut Guru Vandana ki bhi prastuti hui, jisme sabhi bhakton ne apne guru ke saath naach kar, ga kar bhakti ka pragatav kiya. समाचारों का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर फिलहाल लेते हैं ये ब्रेक। संजू क्यों मुंह लटका कर बैठा है? क्या बताऊं यार, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्रॉब्लम्स तो सत्संग तो जाता है ना? अरे बताया ना, इतनी टेंशन है यार, कोई सलूशन नजर ही नहीं आ रहा। अरे सत्संग जाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात बता, तू वॉइस डिवाइन सुनता है कि नहीं? अरे अब कहां सुन पाता हूं यार, पहले सुना करता था लेकिन काफी समय से नहीं सुन पाया। यही तो, अगर वॉइस डिवाइन रेगुलरली सुनता तो तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता। जैसे हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, वैसे हर एपिसोड जरूरी होता है, वैसे हर एपिसोड जरूरी होता है। सूरज जैसे दिन में उजाला करे, वॉइस डिवाइन मन का अंधेरा दूर करे, एक सारी दुनिया में उजाला करे, एक सबके मन का अंधेरा दूर करे। जैसे मॉर्निंग में नहाना जरूरी होता है और कॉलेज भी आना जरूरी होता है, ऐसे हर एपिसोड जरूरी होता है। हर एपिसोड जरूरी है भाई।
Welcome back, viewers, after the break. And now, let us move to the section Mission Overseas, where we shall bring forth the efforts being done by various international branches of the mission to propagate the message of humanity, love, and tolerance. The volunteers of the UK branch of the mission initiated a campaign whereby a website was developed to facilitate the relief operations being done for the flood victims of Yorkshire and Somerset. The first National English Samagam of UK was held at Sant Nirankari Satsang Bhavan, West Midlands on Sunday, the 9th March 2014. The topic discussed was promoting tolerance within society. The youth and elders participated with great enthusiasm, and many guests visited and enjoyed the thoughts and vision of the mission. We need unity in the community. We need unity in the community. We need unity, yeah, in the community, yeah, yeah. The drop always feels that it is separate from the ocean. But through the revelation of Gyan, through this awareness, the drop begins to realize that actually it is the ocean. Actually, we associate with a vastness, with really a kind of enlargement of ourselves. And that is when tolerance becomes possible. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Tolerance ay pag-unawa sa mga iba't ibang mga tao at pag-accept sa mga kanilang mga prinsipyo at ang kanilang mga pag-iisip. Ich denke, dass Toleranz ein elementarer Bestandteil jeder funktionierenden Gesellschaft ist. Ganz gleich, wo wir leben, ist, denke ich, Toleranz sehr, sehr wichtig. Egal in welchem Alter wir sind, in welcher Umgebung wir uns befinden, ob das im privaten und natürlich auch im Berufsleben ist. من فکر میکنم که همه جوامع ما آدم‌ها احتیاج داریم که به هم احترام بگذاریم، همدیگر رو دوست داشته باشیم و یاد بگیریم که با عشق و محبت و دوستی میتونیم جهانی بسازیم که برای هر شهروندی فارغ از هر نژاد و مذهب و رنگی یه مکان مناسب برای زندگی باشه. با احترام به همدیگه، دوست داشتن همدیگه و رعایت حقوق همدیگه میتونیم یه جهان خوب برای همدیگه بسازیم و در کنار هم زندگی کنیم. 我就認為應該首先要從教育嗰方面呢着手嘅，始終一個社會嘅文化咧，其實教育係即係有一個好重要嘅嘢。咁啊變咗就係話要喺即係不斷咁樣教育佢哋啦，教育下一代啦，我點樣去包容我學習。咁另一點咧就係作為一個大人，亦都需要以身作則咧，去即係俾到啲人睇得到呢個社會係即係會尊重於其他嗰啲人嘅一啲意見嘅。I guess people are very complicated. They are very affected by how they bring up. Like a priest, they would not believe in anything apart from the Bible they are studying. Like a person in a desperate area, they've been trained in all sorts of propaganda. They have no chance. But I guess the only chance is we really have to open up and look at the wider world, what the world is like. The world is more than what you think of. Tree plantation drive was also organized in the city of Leicester, UK, in the month of March to spread the message of a healthy world along with a healthy mind. A festival of oneness was also organized in Stockton, California, USA on 29th of March. Here is a report. Hundreds of
participants from different communities यहाँ पर आ जाए हैं. Families that pray together, stay together. So this is what Narankhari Babaji is teaching us. So we are trying to follow his teaching. एक बाबा जी का इशारा था कि सब लोगों को इकट्ठा करें ताकि हमारे जो मिशन का मैसेज है वननेस का वो दिया जाए और जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब आए हैं और वो जो प्रोग्राम है वो सिर्फ केक काटने तक ना सीमित रह जाए बल्कि उसमें स्पिरिचुअलिटी एजुकेशनल फिजिकल योगा और डांस ललित कलाएँ और सबके साथ 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 वो चले और साथ साथ वो डिस्कस हो कि हमारा जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड पीस में हम हमारी जो लेडीज है वो कितना योगदान डाल रही है. तो दोस्तों ये था ब्यौरा देश विदेश की खबरों का और अब रुख करते हैं SNCF डायरी की ओर और देखते हैं चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा की गई मार्च महीने में सामाजिक कार्यों की ये रिपोर्ट. मिशन के चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा शिकरापुर महाराष्ट्र RSपुरा जम्मू कश्मीर व अन्य कई स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए. 10 मार्च को जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में एक आई चेकअप कैंप भी लगाया गया जिसका समाज के कई सज्जनों को लाभ पहुंचा. चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित अनेक शिक्षण संस्थाओं में से एक है निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज. यहाँ 5 मार्च को दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन सेरेमनी के अवसर पर सदगुरु बाबा जी ने छात्रों को उनकी स्नातक आदि डिग्रियां अपने आशीर्वाद के साथ दी. 7 मार्च को राजस्थान समागम से पूर्व चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में SNCF द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया जिसमें 1700 से अधिक पुरुष व महिला बाइक सवारों ने हिस्सा लिया. इस अवसर पर शहर के कई प्रतिष्ठित अतिथि भी पधारे. रैली पर एक लघु सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद सतगुरु बाबा जी ने फ्लैग ऑफ किया और इसी के साथ हजारों दुपहिया सवार स्वयं सेवक सतगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चित्तौड़गढ़ शहर में प्रेम शांति सहनशीलता व मानवता के अनेक संदेश हाथों में लिए निकल पड़े. रैली के इस अवसर पर सतगुरु ने अपने आशीष प्रदान करते हुए कुछ यूं फरमाया. हम देख रहे हैं कि इनटॉलरेंस इतनी बढ़ती जा रही है तो उस संदर्भ में बाइक रैली का आयोजन हुआ और आज यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज को उजागर करने के लिए जिसमें टॉलरेंस भी आ जाती है तो इसका आयोजन आज यहाँ चित्तौड़गढ़ के इस प्रांतीय संत समागम की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ है तो बहुत खुशी हासिल हुई है ये उत्साह देखकर. तो दोस्तों ये थे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के समाचार. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा पर फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. डॉल्स के साथ खेल लो. हे हार्दिक व्हाट्स सो अमेजिंग ऑन द नेट. हे मैं kids.nirankari.org पर स्टोरीज पढ़ रहा हूँ. kids.nirankari.org वो क्या है बताओ. इन्हें kids.nirankari.org के बारे में ही नहीं पता. अरे kids.nirankari.org पर बाबूजी ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं जैसे पोएट्रीज स्टोरीज क्विज गेम्स और बाबा जी ने ब्लेसिंग्स भी दी है. मतलब कि हम बच्चों के लिए स्पिरिचुअल ड्रीमलैंड. ये इस शॉर्ट ब्रेक के बाद न्यूज डिवाइन में आपका फिर से स्वागत है. आइए अब जानते हैं अन्य समाचारों के बारे में. मिशन के प्रचार विभाग द्वारा देश के विभिन्न शहरों व गांवों में बाल समागम महिला समागम व विशाल प्रचार सत्संग आयोजित होते रहे. संत निरंकारी सेवा दल द्वारा सेवा दल के अधिकारियों के लिए अनेक ट्रेनिंग कैंप्स आयोजित किए गए जिनमें प्रमुख रहा दिल्ली का ट्रेनिंग कैंप जहां स्वयं सदगुरु बाबा जी ने अपने आशीर्वाद देकर सेवादारों को संबोधित किया. ये सारे इंडिया में ऐसे कैंप्स का आयोजन की योजना ये केंद्र के अधिकारियों ने बनाई
और इसका आरंभ दिल्ली से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल सेवा दल के अधिकारी ही नहीं, यहाँ पर सेक्टर्स के संयोजक मुखी भी उपस्थित हैं, और ये भी हिंदुस्तान और विश्व भर में महसूस किया जाता है कि मुखी, संयोजक, जोनल इंचार्जेस, इनके साथ सेवा दल के अधिकारियों की तालमेल बहुत ज़रूरी होती है, और एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ ये तमाम अपने कार्यों को सरंजाम देंगे। इन कैंप्स में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ सेवा से संबंधित कई स्ट्रेटेजिक व एडमिनिस्ट्रेटिव पहलुओं पर भी प्रशिक्षण दिया गया। पिछले वर्ष 22 फरवरी गुरु पूजा दिवस की पूर्व संध्या पर सरोवर परिसर में फाउंटेन ऑफ वननेस का त्रिवेणी के करकमलों द्वारा विधिवत उद्घाटन हुआ, और हमें ये सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि फाउंटेन ऑफ वननेस अब सभी विजिटर्स के लिए खोल दिया गया है। हर सप्ताह शुक्रवार, शनिवार व रविवार शाम 7 बजे से संगीत और प्रकाश का संगम जीवंत हो उठता है, जो हर दर्शक को मोहित करने के साथ साथ जीवन के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराता है। तो दोस्तों, ये था निरंकारी जगत की मार्च महीने की खबरों का गुलदस्ता। अगले महीने अप्रैल माह की दिव्य महक लेकर फिर से हाजिर होंगे हम। अपने फीडबैक्स हमें newsdivine@nirankari.org पर भेजते रहें। अनुमति दीजिए अपने मित्र राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।